ओके सो गाइस, अगर अभी भी एक यूट्यूब क्रिएटर्स हैं और चाहे वो आप शॉर्ट्स पे वीडियो डालते हैं या लॉन्ग वीडियो डालते हैं, वो कोई भी क्रिएटर हो आप, अगर आपने स्टार्ट किया है या चैनल मोनेटाइज है, तो भैया आप सबके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यार अभी क्या हुआ, चैनल हो गया डीमोनेटाइज, और ये एक कहीं नहीं बहुत सारे लोगों का चैनल डीमोनेटाइज हो गया है। और आखिर में डीमोनेटाइज चैनल हो क्यों रहा है, किस कारण से हो रहा है, क्या वाकई में चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा, पूरा लाइव प्रूफ। सबसे पहले मैं खुद का अपना चैनल दिखाता हूँ आपको, जो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व चैनल है, वो मेरा डीमोनेटाइज हो गया। और ऐसा ही नहीं, जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर में क्या वाकई हुआ या नहीं हुआ। अच्छा छोड़ोगे मत जाओ, अभी अपना चैनल बाद में देखना, पहले समझ लो। पहले समझना ज़रूरी है कि वाकई में ये हुआ है या नहीं हुआ, अगर हुआ तो क्यों हुआ और क्या कारण है, आखिर में आप इसको ठीक कैसे कर पाओगे, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आप समझ लो। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये मेरा चैनल, और जब मैं अभी रिसेंटली में एक वीडियो डाल रहा था यहाँ पे, तो आयुब की आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मेरी एक वीडियो यहाँ पे आने वाली है, जिसको मैंने अभी अनलिस्ट किया। बट आप यहाँ नोटिस करोगे मेरे चैनल पे यहाँ पे कोई भी वीडियो पे कोई डॉलर का सिंबल नहीं दिख रहा है। इतना ही नहीं, अगर मैं आपको आगे और दिखाऊँ यहाँ से, अगर डैशबोर्ड दिखाऊँ, तो आप डैशबोर्ड पर देखोगे, आप डैशबोर्ड पर भी कोई डॉलर का सिंबल नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा, हर एक चीज़ ब्लैंक है, सब कुछ गायब है। साथ ही अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ मोनेटाइजेशन सेक्शन पे, आप देखेंगे यहाँ पे मोनेटाइजेशन सेक्शन है, मोनेटाइजेशन टैब पे आपको जाके दिखाऊँ, तो आप नोटिस करें यहाँ पर हर एक चीज़ एक्टिव है। आप देखेंगे यहाँ पे जो मेरा यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम जो एसोसिएट हुआ है, वो हो रखा था मेरा 14 दिसंबर 2016 को, ठीक है। तो यानी कोई भी यहाँ पे छेड़खानी नहीं किया गया, कोई यहाँ पे नया अपडेट नहीं है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे एड्स के ऊपर देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए हर एक चीज़ इनेबल है, देखो सब कुछ यहाँ पे एक्टिव है। आप देखेंगे मेंबरशिप वगैरह भी सब कुछ यहाँ पे चालू है, और ये सुपर चैट, सुपर स्टिकर सब कुछ इनेबल है। और साथ ही आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो हमारे पास चैट फीचर होता है, वो भी बंद हो गया है। आप देखोगे चैट विद क्रिएटर सपोर्ट करंटली नहीं है भैया, यहाँ पे आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब जब मैंने इसको देखा कि जब मैं वीडियो यहाँ पे डाल रहा था, तो मुझे लगा यार कहीं ऐसा तो नहीं कोई प्रॉब्लम आ गया। तो इसके रिगार्डिंग मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने मेल चेक किया। जब मैंने यहाँ पे गया और यहाँ से मैंने मेल चेक किया, तो मैंने नोटिस किया यार कोई भी ऐसा मेल मेरे पास नहीं आया है, जिससे कि मुझे ये समझ में आया कि मेरे चैनल पर कोई इशू है। अब इसके कन्फर्मेशन के लिए मैंने और क्या किया, मैंने और चैनल को खोला। चलो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो एक चैनल मैंने यहाँ से और ओपन किया, ये चैनल है मेरे पास यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 मिलियन है, 10,76,000 सब्सक्राइबर है। मैं इस चैनल पे भी गया और इस चैनल के ऊपर यहाँ पे नोटिस किया, तो यहाँ पे भैया ये भी मोनेटाइज था। फाइनली अभी ये भी क्या है, डीमोनेटाइज है। बट आप देखोगे मोनेटाइजेशन एक्टिव है, कॉन्टेंट के ऊपर यानी वीडियोज़ के ऊपर कोई भी सिंबल नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, मैं एक और चैनल मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। इस चैनल के साथ में भी मुझे यही सेम चीज़ देखने को मिला। आप नोटिस करेंगे यहाँ से मैं एक और चैनल ओपन करता हूँ मैं, तो इस तरीके से मेरे पास क्या है, बहुत सारे चैनल हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट कई चैनल्स को मैंने जब चेक किया, तो ये फाइनली ये पता चला कि भाई चलो इस वाले भी चैनल को एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि वाकई में इस चैनल के साथ भी ऐसा कोई इशू है या नहीं। इसके अलावा भी मैंने और भी बहुत सारे चैनल ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखोगे अभी क्रिएटर स्टूडियो भी खुलने में ही समस्या हो रही है। तो आप देखोगे भैया यहाँ पर ये एक गुरु जी का एक चैनल है, जिसमें यहाँ पर मोनेटाइजेशन इनका देखो एक्टिव है, बट यहाँ से इनके कंटेंट के ऊपर कोई भी सिंबल यहाँ पे डॉलर्स का नहीं आ रहा है। तो अब आखिर में इतने सारे चैनल मैंने जब चेक किया, तो ये प्रॉब्लम है क्या, क्या सबके चैनल डिमोनेटाइज हो गए, अब क्या लोग पैसे नहीं कमा पाएंगे? नहीं। अब आप एक सबसे मेन चीज़ आप समझिए, आप यहाँ पे सबसे मेन चीज़ समझो, हुआ क्या है कि जैसे फेसबुक के अंदर भी अभी बहुत सारे ग्लिच और बग चल रहे हैं, ऐसे यहाँ पे यूट्यूब के अंदर भी हमेशा जब कोई एक नया अपडेट, कोई नई चीज़ कुछ भी रहता है, तो हमेशा कुछ ना कुछ एक ग्लिच और एक बग हो जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो मेन चीज़ें हैं, कोई फीचर्स है, कोई मोनेटाइजेशन टूल है, कुछ भी, वो क्या होता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी कि वो बंद हो जाता है, आपका काम नहीं करता। तो आपको लगता है यार ये तो सब कुछ बंद हो गया, सारा चीज़ चला गया, तो अब क्या होगा, पैसे कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, तो ऐसा बहुत सारा समस्या शुरू हो जाती है। लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अगर आप कोई भी गलती नहीं देखो अब देखो यहाँ पे दो चीज़ होगा, आप एक चीज़ और आपके कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि भैया जिन लोगों का कोई चैनल सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर काम करता, सब कुछ सही है, यानी किसी तरीके की कोई भी गलती उन्होंने नहीं की, तो आपका चैनल तो डिमोनिटाइज बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर जो कोई गलती भी कर रहा है, मान लो किसी दूसरे कंटेंट डाल रहा है, तो वो एक डिफरेंट केस है। तो भैया अगर उसकी वजह से डिमोनिटाइज हो, तो प्रॉपर आपको मेल भी आएगा।
सो गाइस यहाँ पे ना कोई मेल कुछ भी नहीं, और एक चैनल नहीं यहाँ पे बहुत सारे चैनल के साथ ये प्रॉब्लम हुई। सो आप भी जाके देखेंगे तो आई होप कि आपको भी देखने को मिलेगा। सो आप बताओ जाके कमेंट बॉक्स में कि क्या है आपकी राय, आपके चैनल के साथ भी ये केस है या नहीं है, आखिर में क्या है आपका स्टेटस आपके चैनल का। और आई होप कि ये चैनल का जो स्टेटस है बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, बहुत जल्दी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपका मोनेटाइजेशन दोबारा आ जाएगा, आपको कहीं भी सपोर्ट कुछ भी अभी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी इस चीज़ को आपको एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा, आठ घंटे, 24 घंटे, दो दिन, चार दिन भी लग सकता है। धैर्य बना के रखो, बहुत जल्दी आपकी प्रॉब्लम सारी रिजॉल्व हो गया। आई होप कि गाइज इससे कहीं ना कुछ आपको नॉलेज मिला होगा, टेंशन नहीं लेना, जल्दी प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। बस फिलहाल इतना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।